दोस्तों आपका स्वागत है एसके टेक्नोलॉजी 30 चैनल में। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड में वैकेंसी निकल के आई है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में। दोस्तों बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास है या ग्रेजुएशन है, आपके पास BSc किए हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। फॉरेस्ट गार्ड में वैकेंसी बहुत अच्छी निकल के आई दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए इस वीडियो में पूरा कंप्लीट इसका नोटिफिकेशन जानेंगे, कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या योग्यताएँ हैं, सिलेबस क्या है और सैलरी कितनी, ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो चुका है। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट आपको दिखा देता हूँ। तो कल से यानी 14 जनवरी 2020 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा सुबह 10 बजे से दोस्तों। और लास्ट डेट की बात करें तो 13 फरवरी रखी गई, 13 फरवरी 2020 रखी गई लास्ट डेट। इसके पहले आपको अप्लाई कर लेना है दोस्तों। चलिए वैकेंसी टेबल आपको दिखा देते हैं। वैकेंसी टेबल की बात करें तो यहां पर 3 डिपार्टमेंट में वैकेंसी बांटी गई। यहां पर सबसे पहली वैकेंसी है फॉरेस्ट रेंजर। फॉरेस्ट रेंजर की यहां पर कुल 4 वैकेंसी है दोस्तों। इसका फॉरेस्ट गार्ड जो कि सबसे ज्यादा है, यहां पर 211 वैकेंसी है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ गार्ड की बात करें तो यहां पर 11 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर 226 वैकेंसी है दोस्तों। यहां पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी डिवाइड है। तो इस प्रकार वैकेंसी की बात करें तो 226 वैकेंसी टोटल है। चलिए अब बाकी सारा डिटेल देख लेते हैं एक एक करके, वैकेंसी वाइज क्या क्या जो है योग्यताएं रखी गई है और क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फॉरेस्ट रेंजर की। फॉरेस्ट रेंजर जो कि 4 वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये वैकेंसी की सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 35,400 से लेकर 112,400 रुपये के बीच में सैलरी आपको मिलेगी। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए इन साइंस या आपके पास कोई इंजीनियरिंग डिग्री भी होनी चाहिए दोस्तों। इसमें से कोई भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट भी मेंशन है दोस्तों। तो इस प्रकार देख सकते हैं अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर एज लिमिट भी आपको बताई गई दोस्तों। इसके बाद चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरी वैकेंसी की। यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर फिजिकल की बात करें तो यहाँ पर फिजिकल के लिए फॉरेस्ट रेंजर की बात करें तो इसके लिए मेल की 163 होनी चाहिए और फीमेल की 150 होनी चाहिए, 150 होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर चलिए नीचे आते हैं, फॉरेस्ट गार्ड की बात करते हैं दोस्तों, जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी 211 पोस्ट है यहाँ पर। तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 12th पास होने चाहिए, केवल 12th पास अगर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी क्वालिफिकेशन आपके पास हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। हिंदी की केवल नॉलेज मांगा गया है दोस्तों, कोई सर्टिफिकेट नहीं, नॉलेज आपको हिंदी की होना चाहिए और आप 12th पास होने चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं किसी भी बोर्ड से आप हों दोस्तों। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 18 से 27 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी एज में छूट होगी रिजर्वेशन के हिसाब से आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो अच्छी खासी वैकेंसी है दोस्तों। सैलरी की बात करें तो 5,200 से 2,020 रुपए के बीच में आपको सैलरी मिलेगी और इसके बाद आपका बढ़ता जाएगा और यहाँ पर ग्रेड पेमेंट 2,000 आपका है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं फिजिकल की बात करें, फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो यहाँ पर मेल के लिए यहाँ पर हाइट भी ज़्यादा नहीं गई, 163 सेंटीमीटर मांगी गई है दोस्तों, बहुत ज़्यादा हाइट भी नहीं मांगी गई। फीमेल की बात करें तो 150 मांगी गई दोस्तों। चेस्ट की यहाँ पर देख सकते हैं 84 मांगी गई है और एक्सपेंशन के साथ 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होना चाहिए, मतलब और 5 सेंटीमीटर दोस्तों। तो इस प्रकार अच्छी खासी वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए अब तीसरी वैकेंसी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो तीसरी वैकेंसी की हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए। वाइल्ड लाइफ गार्ड की बात करें तो यहाँ पर इनके लिए क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास रखा गया। आप 10वीं पास किसी भी बोर्ड से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। टोटल 11 वैकेंसी है तो 10वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। सैलरी की बात करें तो 18,000 से लेकर 56,900 रुपये के बीच में आपको सैलरी मिल जाएगी 7th CPC के अंतर्गत दोस्तों। तो अच्छी खासी दोस्तों वैकेंसी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास हो या 12वीं पास हो या आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, बैचलर डिग्री कर रखा हो दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। और चलिए नोटिफिकेशन का देख लेते हैं, सारा डिटेल आपको बता देते हैं दोस्तों। मैंने बता दिया फॉर्म की लास्ट डेट जो है 13 फरवरी रखी गई, 13 फरवरी 2020 के पहले ही आपको अप्लाई कर लेना, कल से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा इसका। चलिए बाकी सारा यहाँ पर देख सकते हैं, कंडीशन भी बताया गया है। तो दोस्तों एज में छूट की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको एज में 5 साल की छूट मिल जाएगी। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी दोस्तों। इसके अलावा आप जो भी कैंडिडेट हो आपको एज में छूट मिल जाएगी दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं और यहाँ पर क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर केवल एप्लीकेशन फीस 100 रुपये रखी गई है, वो भी जनरल और OBC के मेल कैंडिडेट के लिए, और बाकी सभी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट और SC ST कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है, मतलब आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बिना फीस के दोस्तों। चलिए सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए तीनों वैकेंसी के लिए अलग
अलग अलग सिलेक्शन प्रोसीजर है, अलग अलग सिलेबस है दोस्तों। तो सबसे पहले फॉरेस्ट रेंजर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 100 नंबर का आपका टेस्ट होगा। स्टेज फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो 100 नंबर का टेस्ट होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन और क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन और इंग्लिश जो है 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। इसके बाद जो है आपका जो है यहाँ पर देख सकते हैं, अगर पार्ट टू में बात करें तो वहाँ पर पार्ट टू में आपको जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट से जो दोस्तों टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद स्टेज टू में आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के लिए मैंने बता दिया, मेल के लिए 163 हाइट होनी चाहिए दोस्तों, फीमेल के लिए 150 होना चाहिए, मतलब 150 होना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार है तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आप बात कर लेते फॉरेस्ट गार्ड की, फॉरेस्ट गार्ड के लिए स्टेज वन में क्या होगा, तो वही होगा यहाँ पर देख सकते जनरल इंटेलिजेंस के यहाँ पर 40 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के भी 40 होंगे और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 40 होंगे और जनरल लैंग्वेज के भी 40 होंगे दोस्तों, जनरल लैंग्वेज इंग्लिश के भी 40 होंगे। इसके बाद यहाँ पर हिंदी के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी लैंग्वेज के लिए भी 40 होंगे, तो टोटल मिलाकर 200 क्वेश्चन होंगे आपके, 200 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में का समय मिलेगा दोस्तों। इसके बाद सेकेंड स्टेज में आपका फिजिकल किया जाएगा दोस्तों, तो अच्छी खासी सिलेबस भी है, ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद चलिए तीसरी वैकेंसी की बात करते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, तो यहाँ पर देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस के लिए 40 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के भी 40 होंगे और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के भी 40 होंगे और यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के 40 होंगे, हिंदी लैंग्वेज के 40 होंगे। सेम सिलेबस होगा, 200 क्वेश्चन होंगे 200 घंटे के लिए दोस्तों, 2 घंटे के लिए, सॉरी दोस्तों 200 क्वेश्चन होंगे 2 घंटे के लिए। यहाँ पर पेपर में आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा, तो आप अगर क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका जो है 0.25 पर क्वेश्चन के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा दोस्तों, 1/4 के हिसाब से। इसके बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और सिलेक्शन कर लिया जाएगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए स्टार्ट 14 जनवरी 2020 से फार्म स्टार्ट हो जाएगा, तो दोस्तों जब फार्म स्टार्ट हो जाएगा तो आपको अप्लाई का वीडियो मिल जाएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत जो है इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आपको चैनल पर मिल जाएगा वीडियो कैसे अप्लाई करना है, और बाकी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर बड़े आसानी से फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सिलेबस की बात करें तो सिलेबस यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में सबसे नीचे सिलेबस मिल जाएगा, तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके सिलेबस देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो आप नीचे सिलेबस देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों इसके अलावा मैं बता दूँ, अगर आपको किसी प्रकार की बुक की आवश्यकता हो, डेली न्यूज़पेपर मैगजीन की आवश्यकता हो, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको डेली बेसिस पर फ्री में जो है सभी प्रकार की बुक मैगजीन और न्यूज़पेपर मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।